जालौन मेट्रो से मेरिश में पानी। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आ रही है। गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर चला कानूनी बुलडोजर। माफियाओं की करीब 3,32,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। 3,32,00,000 रुपए के 8 ट्रक प्रशासनिक अधिकारियों ने किए कुर्क। माफिया शिवेंद्र सिंह, इरशाद खान, राजीव दुबे, संजीव कुमार, नरेंद्र कुमार के 8 ट्रक प्रशासनिक अधिकारियों ने किए कुर्क। डुगडुगी बजवाकर उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में की गई कार्यवाही। इससे पहले की जा चुकी है करीब 11 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की। जनपद जालौन के माधोगढ़ कोतवाली में की गई ये बड़ी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जालौन मेट्रो पर इस वक्त आप देख रहे हैं जालौन से, जहां माफियाओं के करीब 3,32,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। इससे पहले भी करीब 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। डुगडुगी बजवाकर उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में ये कार्यवाही की गई जालौन के माधोगढ़ कोतवाली में। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। हो गया सर, आज संपत्ति जब्त की गई है, क्या है जानकारी सर, कितनी संपत्ति? गैंगस्टर एक्ट में थाना रेंढर पुलिस द्वारा 8 डंपर सीज किए गए हैं, कुर्क किए गए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 3,32,00,000। जी सर, ऐसे गैंगस्टरों के ऊपर आगे भी कार्रवाई होती रहेगी क्या सर? हाँ, भविष्य में जिनके विरुद्ध पंजीकृत होगा गैंगस्टर, उनके विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरी कितनी संपत्ति जब्त हो चुकी होगी अभी तक? 14 करोड़ करीब हो तक, कुल 14 करोड़ की संपत्ति इस मुकदमे में जब्त हो चुकी है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।